फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर व कमेंट करें, और मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें। फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक टाइम पास की और घरेलू रेसिपी कि हम दो तीन फ्रेंड्स बैठ करके आराम से गप्पे मार रहे हैं और गप्पे मारते मारते हम इस तरह से सिवैयां बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा और मेरे सारे स्टेप फॉलो करते हुए ये सिवैयां बनाइएगा। बहुत ही झटपट बन जाती है, अगर आपको आदत हो जाती है ये बनाने की तो आप घर में ही अपने परिवार को इस तरह से सिवैयां बना करके खिला सकते हैं। फ्रेंड्स ये सिवैयां मैंने मैदा से बनाई है, आप ये सूजी से भी बना सकते हैं और आटे से भी बना सकते हैं। अगर आप आटे की बना करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये सिवैया इसी तरह से आप आटे से भी बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम इस तरह की यूजफुल एक वीडियो एक रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम सिवैया बनाने के लिए आटा गूंद के तैयार करेंगे। तो यह मैंने आधा कप मैदा लिया है। आप एक बार शुरू में आप थोड़ी मैदा लेके ही बनाएं क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। तो मैदा को हमने छान के ले लिया है। चाहे तो मैदा में एक टेबल स्पून सूजी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं एक टेबल स्पून सूजी डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम घी डालेंगे आधा चम्मच और अच्छे से घी को और मैदा में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंदेंगे। आटा ना ही ज्यादा टाइट गूंदें और ना ही सॉफ्ट गूंदें, क्योंकि टाइट गूंदेंगे तो भी बनाने में सिवैया तक परेशानी होगी और अगर नरम गूंद जाएगा तो भी आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और टाइट आटा गूंद लेंगे। देखिए अब हम पानी और नहीं डालेंगे और आटे को अच्छे से मसल लेंगे। अब 10 मिनट के लिए हम आटे को ढक करके और रख देंगे ताकि जो सूजी हमने डाली है वो सूजी थोड़ी फूल जाए और 10 मिनट बाद फिर हम इससे सिवैयां बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट हो गया हमें आटे को रखे हुए और अब हम इस तरह से थोड़ा सा आटा लेंगे हाथ में, बाकी के को ढक के रखें। अगर ढक के नहीं रखेंगे तो आटा सूख जाएगा, पपड़ी आ जाएगी और फिर आप अच्छे से नहीं बना पाएंगे। फ्रेंड्स सिवैया हम दो तीन तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हमने हाथ में थोड़ा आटा लेंगे और इस तरह से हाथ से रोल करते हुए हम एक एक तोड़ते जाएंगे और प्लेट में डालते जाएंगे। दूसरा तरीका कि हम इस तरह से हथेली के बीच में लोहे को रखेंगे और इस तरह से लंबा करेंगे, ये देखिए, और क्या करेंगे अब इस तरह से दोनों हाथों से तोड़ेंगे, रोल करेंगे तोड़ेंगे, रोल करेंगे तोड़ेंगे, इस तरह से फटाफट आपकी सिवैयां बन करके और तैयार हो जाती हैं और घर की और हाथ की बनी हुई होती हैं। और जितनी पतली जैसी आपको बनानी हो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम पतली पतली सिवैयां तोड़ लेंगे, देखिए। इस तरह से तोड़ लेंगे, दो तरीके बता दिए, अब मैं आपको तीसरा तरीका और बताती हूँ। और चकले पे इस तरह से एकदम पतला रोल करेंगे जितना हो जाएगा, इस तरह से और भी जल्दी से बन जाएगी। अब चाहे तो आप इसे इस तरह से लंबी की लंबी ही डाल सकते हैं इस तरह से थाली में, और या चाहे तो बनाते हुए थोड़ी और पतली हो जाएगी, इस तरह से जल्दी जल्दी तोड़ सकते हैं, तब आपको इन्हें रोल करने की जरूरत नहीं है, बस इस तरह से तोड़ डालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम सारी सिवैयों को फटाफट तोड़ करके और सुखा लेंगे। सुखाने के लिए आप चाहे तो पंखे की हवा में इन्हें सुखा सकते हैं कि गर्मियों में छुट्टियों में हम आराम से टाइम पास करते हुए इन्हें बना सकते हैं पंखे की हवा में बैठ करके, और या फिर आप बना करके पंखे की हवा में बना ले और धूप में सुखा ले। सर्दियों में बना रहे तो धूप में बैठ करके आप इन्हें बना सकते हैं और गर्मियों में बना रहे हैं तो आप इन्हें पंखे की हवा में आराम से बैठ करके बनाइए, आपका टाइम भी पास होगा और घर की सिवैयां भी हमारी बन करके और तैयार हो जाएंगी अच्छे से। ये देखिए हमारी जो सिवैयां हैं वो पंखे की हवा में सूख गई है। सूखने के बाद हम इन्हें सबको इकट्ठी कर लेंगे, अलग अलग प्लेटों में थोड़ी थोड़ी फैलाएंगे और अच्छे से सुखा लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिवैयां सूख गई हैं। अब मैं आपको इन्हें भून कर भी बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम ये सिवैयां डाल देंगे। आप चाहे अगर आप बनाते समय इन्हें भून रहे हैं तो आप घी डालकर के भून सकते हैं, और आप इन्हें भून करके रखना चाहते हैं तो ड्राई रोस्ट करें, यानी कि बिना घी तेल डाले हुए। और ये सिवैयों को हम इस तरह से लगातार हिलाते हुए भून लेंगे। भूनने के लिए हम इस तरह का अगर स्पैचुला लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आपकी सिवैयां जो है वो टूटेंगी नहीं। और इस तरह से लगातार हिलाते हुए भून लेंगे तो हमारी जो सिवैयां हैं वो चारों तरफ से बहुत अच्छे से रोस्ट होंगी। सिवैयां इस तरह से भून करके रख लीजिए, और आपको जब जो बनाना हो, आपको सिवैया उपमा बनाना है या सिवई पुलाव बनाना है, खीर बनानी है, हम जो चाहे फिर ये सिवैयों से बना सकते हैं। तो इस तरह से सिवैयों को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिवैयां आप देख पा रहे हैं ना, कितने अच्छे से भून गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारी सिवैयां भून करके तैयार हो गई है। आप इन्हें ठंडी होने के बाद में एयरटाइट डब्बे में बंद करके भर के रख लीजिए, और अब जब आपको जो बना के इनसे खाना हो, आप टेस्टी टेस्टी ये सिवैयों से बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखते हुए आप ये सिवैयां बनाइए, खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।